इसका हम पार्ट टू करते हैं आज, भाग दो। पहले भाग में हमने यहाँ तक कर लिया था, धीमी धीमी चाल हुई जैसे पत्थर सुस्ताई, पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। कि जो नदी है वो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए ऐसे लगता है जैसे जब पहाड़ों से चली थी तब बहुत तेज थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी चाल कुछ मंदी हो जाती है, कम हो जाती है, जैसे ऐसे लगता है जैसे थक कर आराम कर रही है, लेकिन फिर भी खेतों में पानी फैलाती जाती है और हरियाली बिखराती है। कहता है हम नदी से जितना भी पानी ले लें लेकिन ये अपने मन में बुरा नहीं लाती है। आगे है, किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी चलती ही, सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। इसमें कवि हरिप्रसाद जी क्या कहते हैं कि जो ये नदी है, नदी द्वारा सागर तक पहुंचने के रास्ते का वर्णन किया गया है कि किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आई, कब आई, मगर चलती ही रहेगी। कि कब इसने चलना शुरू किया था, कब ये पहाड़ों से निकली थी, लेकिन हमें लगता है कि ये हमेशा चलती ही रहेगी। एक दिए से जगर मगर, और एक दिए की तरह जैसे दिया जलता रहता है हर तरफ रोशनी फैलाता, उसी तरह नदी भी एक दिए की तरह जगमग चमकाती रहेगी, आसपास हरियाली फैलाती रहेगी, सदा रहेगी जलती हुई। ऐसे लगता है जैसे दिया जलता रहता है उसी तरह ये भी हमेशा जलती रहेगी। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, लेकिन जब ये सागर में मिल जाती है तब इसका जो रूप है वो सागर ही बन जाता है, तब ये सागर में ही मिल जाती है, तो ये जो पानी है वो सागर में बिल्कुल घुल मिल जाता है, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। लेकिन जब तक ये सागर में नहीं मिल जाती, क्योंकि इसका मंजिल सागर में मिलना है, तब तक ये अपने रास्ते को बदलती रहती है, लेकिन कभी भी रुकती नहीं है। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आए, हमें नदी की तरह अपने रास्ते को बदल लेना चाहिए, लेकिन अपनी मंजिल को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जो नदी है पहाड़ों से निकल कर धीरे 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 रास्ते बदलते हुए, रास्ते की बाधाओं को पार करती हुई अंत में जो सागर उसमें मिल जाती है, अपनी मंजिल को पा लेती है, उसी तरह हम भी यदि अपने मंजिल पर डटे रहेंगे तो हम भी अपनी मंजिल को पा लेंगे और जीवन में जो बनना चाहते हैं उस लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे। तो ये थी हमारी कविता नदी यहाँ पर। इसके एक बार मैं शब्दार्थ थोड़ा आपको करवा देती हूँ। जगरमगर क्या होता है? जगमग, जो चमकता रहता है, जगमग करता रहता है। सागर समुद्र, सींच कर सिंचाई करके, और सुस्ताई क्या होता है? आराम किया। ऐसा लगता है जैसे ये आराम कर रही है लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे चलती रहती है। जगमगर जगमग, सागर समुद्र, सींच कर सिंचाई करके, सुस्ताई आराम किया। तो ये थी आपकी कविता नदी यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गई। जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे।